संकल्प ध्यान में, एक संकल्प ध्यान में, एक नए अधिकार चाहिए, एक नए अधिकार चाहिए, एक नारा एक नाम संविधान में मिथिला धाम, एक नारा एक नाम संविधान में मिथिला धाम, एक नारा एक नाम संविधान में मिथिला धाम, भीख नए अधिकार चाही हमरा मिथिला राज चाही, मिथिला राज कोना के लेबे लड़का लेबे लड़का लेबे, मिथिला राज कोना के लेबे लड़का लेबे लड़का लेबे। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज जंतर मंतर पर एक आंदोलन हो रहा है मिथिला राज्य की मांग के लिए, पृथक मिथिला राज्य की मांग के लिए। देश भर से सैकड़ों लोग आए हुए हैं जो इस बात को उठा रहे हैं कि मिथिला राज्य मिलना चाहिए, उसकी ऐतिहासिकता के लिए मिलना चाहिए, भाषाई आधार पर भी मिलना चाहिए जैसा कि देश के अन्य हिस्सों में, तो मिथिला को भी न्याय मिलना चाहिए, मिथिला भी राज्य से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, आप कैसे ले जाएंगे? देखिए, मिथिला राज्य आंदोलन 100 साल से ऊपर हो गया इस आंदोलन को। वो जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, ये सब राज्य जब उड़ीसा झारखंड बिहार जो आज का मिथिला है सब बंगाल में था, और ये अलग हुआ तो उड़ीसा बना, बिहार बना, झारखंड बना, लेकिन हमारा मिथिला जो है अभी भी बिहार के अंदर है। और हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत अब महसूस हो रहा है जब हमें कोई बिहारी कहता है, क्योंकि हम बिहारी नहीं हैं, हम मैथिल हैं, हमारी डिग्निटी मिथिला से है और मैथिल हैं हम, और बिहार के अंदर हमारी मैथिल डिग्निटी जो है ख़त्म होती जा रही है। देश के अंदर लोग समझते हैं ये बिहार से है, हम बिहार से नहीं, हम मिथिला से हैं, हम मैथिल से हैं। यदि मगही शासन का यही कुचक्र रहा तो हमारी मैथिल डिग्निटी, हमारी भाषा, सभ्यता, संस्कृति सब खत्म हो जाएगी। इसी को संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, मिथिला के विकास के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। जो हमारा मिथिला राज्य जो 8-10 करोड़ का मिथिला राज्य क्षेत्र है, उसको एक राज्य का दर्जा दो। आपको विश्वास होगा, मैं देश विदेश के बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, खुद भी 15 साल विदेश में रहा हूँ। वो लोग जब आते हैं या उनसे मिलता हूँ बाहर में, तो वो जानते हैं हम लोग साथ साथ काम करते हैं, वो जानते हैं कि मैं इस आंदोलन में हूँ। कहते हैं कि हमारे यूरोप में हमारा देश है 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का तुम्हारा क्षेत्र, तुम देश नहीं राज्य मांग रहे हो, वो भी भारत सरकार नहीं दे रही है, क्या विडंबना है? आप समझ रहे हैं? बहुत गहरी बात है, बहुत दुख की बात है, दुख की बात है। और दुख उससे भी ज़्यादा जो मैंने कहा, जो हमारी मैथिल डिग्निटी समाप्त होती जा रही है, हमको उसको बचाना है, अपने सभ्यता को, संस्कृति को, हमारी भाषा। आप समझ सकते हैं ये जानकी, माँ जानकी की भाषा है, ये 2000 साल पुराना हमारा लिपि है, 1400-1500 वर्ष पुराना हमारा मैथिली साहित्य का इतिहास है जो अभी तक मिला है, 1500 साल पुराना है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। हिंदी को, हम हिंदी को मानते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा है, हम उसकी बेइज्जती नहीं करते, हम बोलते हैं हिंदी, लेकिन ये 100-150 साल पुराने हिंदी को, 1500 साल पुराने मैथिली पे थोप के हमारी भाषा को तुम बर्बाद करना चाहते हो। यही कारण है कि संविधान में 8वें अनुसूची में आने के बाद भी मैथिली में प्राथमिक शिक्षा मिथिला में नहीं है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहाँ पे है उसकी, किसी दुकान पे आपको पता ही नहीं चलेगा ये दुकान किस चीज़ का है, वहाँ की भाषा में लिखी है, हमारे यहाँ है ही नहीं। सर क्या कहेंगे?